जीरो। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो एक गोला अपने को दिया हुआ है, ठीक है, तो गोले को बना लेते हैं अपन। ये बना लिया सर हमने गोला, ये स्फीयर बना लिया बेटा अपन ने, ठीक है। अभी कह रहा है कि ये स्फीयर जो है, ये वाला स्फीयर, ये रहा, ये इसका सेंटर बना लिया सर। एक प्लेन, ये वाला प्लेन, तो ये तो स्फीयर हो गया सर, ये वाला स्फीयर हो गया, और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है इसको। प्लेन क्या कर रहा है बेटा, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके इंटरसेक्शन से आपको पता है क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिले, एक सर्कल मिलेगा। एक स्फीयर और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से क्या मिलेगा बेटा, एक सर्कल मिलेगा। इस सर्कल का सेंटर और इस सर्कल की आपको क्या निकालनी है बेटा, रेडियस निकालनी है। इस सर्कल का सेंटर, ये तो स्फीयर का सेंटर हो गया, और ये सर्कल की रेडियस मैं स्मॉल आर कह देता हूँ, ये आपको निकालनी है। मैंने कहा था ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है बेटा, ये आपके पास बार बार क्वेश्चन इस फॉर्म में आएंगे पूरी एक्सरसाइज में। समझ में आ गई बात, ये हमारा ये प्लेन हो गया सर, ये प्लेन हो गया जिसकी इक्वेशन अपने को दी हुई है। तो यहाँ पर इनके इंटरसेक्शन से जो सर्कल बन रहा है, उस सर्कल का सेंटर निकालना है और उस सर्कल की रेडियस अपने को निकालनी है। तो सर्कल का सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे, उस चीज़ को आप समझ लो बेटा, बहुत आसान है, बिल्कुल ही आसान है। कैसे निकालेंगे देखो, ये स्फीयर की अगर इक्वेशन हमको दी हुई है, ये स्फीयर की अगर इक्वेशन अपने को दी हुई है, तो क्या हम इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सेकंड ए में तो हमने किया यही काम है, स्फीयर के सेंटर और रेडियस ही तो लिखे ना, तो हम सेंटर लिख सकते हैं। इससे हम रेडियस भी लिख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। वही सेकंड डे में हमने सेंटर रेडियस लिखे, तो रेडियस भी हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे सर। रेडियस भी क्या हो जाएगी, हमको पता हो जाएगी, और सेंटर भी हमको पता हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जब हमारे पास ये आर आ गया है और ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, तो फिर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको लिखाया था कि किसी भी बिंदु से किसी समतल पर खींचे गए लंब की लंबाई निकालने का फॉर्मूला आपको पता हो तो मैंने आपको लिखवाया था बेटा, लिखवाया था ना, तो लंब की लंबाई का सूत्र वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। प्लेन की इक्वेशन अपने को दे रखी है, ये रही ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 2, डी बराबर 7, ठीक है, और हमारे को सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो यहाँ से अपन निकाल लेंगे, मतलब फिर डी ए भी हो गए एक तरीके से, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर मतलब पी भी निकल जाएगा। अब जब R निकल गया, P निकल गया, जब हम R को फाइंड आउट कर लेते हैं और P को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इस R का फॉर्मूला आपको पता हो तो क्या था, R बराबर अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और इसको अपन पॉइंट P बोल देते हैं। यही था, तो सॉल्व करें बेटा। सॉल्यूशन में दिए गए गोले का समीकरण, सबसे पहले ये लिखना है, इक्वेशन ऑफ गिवन स्फीयर क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x 2y 4z 19 इक्वल टू जीरो। यहाँ तक समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को बेटा। अब इसको हम कंपेयर करते बेटा, व्यापक समीकरण क्या थी, व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन लिखना नहीं है, ये क्वेश्चन में या वहाँ
कहीं भी आप सॉल्यूशन करें उसमें नहीं लिखना, मैं अपने को यहाँ पर कंपेयर करके लिखना, देख रहे हैं समझ रहे हैं अपन इसको, क्या थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू यू एक्स टू वी वाई टू डब्ल्यू जेड डी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके सेंटर केंद्र को अपन लिखते थे बेटा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और इसी की रेडियस त्रिज्या को कैपिटल आर है तो हम लिखते थे अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये लिखते थे। तो ये अपने को देखना है, तो यहाँ से इसको कंपेयर करो बेटा, यहाँ से इसको कंपेयर करो, या 2x मतलब u की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1, तो इसका सेंटर क्या हो गया माइनस 1, 2vy vy ये रहा, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है तो 1 हो गया, और 2wz यहाँ पे 4 आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है तो 2 हो गया। रेडियस, रेडियस क्या हो गया बेटा, रेडियस r मान लेते हैं अपन, अंडर रूट ऑफ यू का स्क्वायर 1 वी का स्क्वायर 1 डब्ल्यू का स्क्वायर 4 और डी, डी की वैल्यू है बेटा ये तो प्लस का 19, कितना हो गया बेटा 25, दैट इज 5, ये लो, ये लिख, ये अपने को लिखना नहीं है, ये वाली बात हमें लिखनी नहीं है, ये लिखना है और ये लिखना है, कंपेयर करके लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, पहले ही हम कर चुके हैं सारा काम। तो ये इक्वेशन दिया होता तब इसका सेंटर और रेडियस ही हो गई, समझ में आ गई बात। देयरफोर तब इसके क्या हो गए बेटा, ये हमारे पास केंद्र और त्रिज्या आ गई, क्लियर सर। ये भी नहीं लिखना है अपने को फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी हमको नहीं लिखना है, सीधा ये लिखना है। अब क्या निकाल रहे हैं अपन, इसकी रेडियस सबसे पहले निकल सकती है क्योंकि हमारे पास ये आ गया आर 5, अगर हम केंद्र आ गया है 1 1 2, अगर हम ये निकाल दें तो आर भी निकल जाएगा, तो ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब गोले के केंद्र माइनस 1 1 2 से दिए गए समतल x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, नाउ the length of the perpendicular drawn to plane या given plane x plus 2y plus 2z plus 7 equal to 0 from the center 1 1 2 ऑफ द गिवन स्फीयर इज, लेट मान लिया अपन ने कि वो स्मॉल p है, पॉजिटिव ही होगी, क्या जाएगा बेटा पॉइंट से सेंटर से डिस्टेंस क्या थी, वही मल्टीप्लाई करेंगे अपन किसको, इसको और इसके कोफिशिएंट को, मतलब माइनस 1 1 को और इसको 2 को मतलब 2, ये 2 को और ये वाले 2 को मतलब 4, और प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 4। तो ऊपर तो बेटा टर्म बन गई, देखो 4 6 13 माइनस 1 12, और नीचे बन गया बेटा अंडर रूट ऑफ 9, तो ये बन गया 12 अपॉन 3 दैट इज 4। तो ये वाली P ये किस, इसकी वैल्यू क्या आ गई है 4, क्लियर सर। अब हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे
जो हमारा व्रत है इसकी। अब व्रत की त्रिज्या, नाउ रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बेटा? मान लिया अपन ने कि वो, मान लिया अपन ने वो स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16, दैट इज अंडर रूट ऑफ, नो दैट इज 3। तो इसकी रेडियस आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब हमें क्या निकालना है? सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट भी बहुत अच्छे तरीके से अपन निकालेंगे। आप पहले एक बार ये वाला नोट डाउन करो बेटा। आगे देखो बेटा, अपने को अब इस फीट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। फीट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स अपन देखते हैं। अब तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, एक बार आपको बताता हूँ प्रोसेस, है ना? उसी प्रोसेस से अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखो, केंद्र के निर्देशांक मिल गए बेटा अपने को सी के, माइनस वन वन और टू, ठीक है? ये लाइन आप देख रहे हो कि ये जो सर्कल का सेंटर है, ये लाई कहाँ करेगा बेटा? ये हमारे प्लेन पर ही लाई करेगा। ये लाई कहाँ करेगा? प्लेन पर लाई। इसी तरह से तो हो गए, प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारे पास सेंटर से पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट जो होगा वो प्लेन पर लाई करेगा। तो ये क्या हो गया? ये सेंटर से एक लाइन हो गई, किस पर? हमारे प्लेन पर। ये जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर एन जो दिया हुआ है, ये क्या हो गया बेटा? प्लेन समतल जो दिया हुआ था, एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, इस पर क्या हो गई? एक परपेंडिकुलर लाइन हो गई। तो ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर अपन कैसे निकालेंगे? ये जो लंबवत रेखा है, परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी इक्वेशन, इसका समीकरण अपन निकाल लेंगे बेटा, ठीक है? कैसे? कि हमारे पास जो समतल में जो दे रखे हैं इसके रेशियोज, वो क्या होंगे? इसके लिए परपेंडिकुलर लाइन के लिए, और ये इस पॉइंट से पास आउट हो रही है। तो मैंने लिखा था ना बेटा आपको, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, एक पॉइंट से पास आउट ऑन लाइन की इक्वेशन, x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन लिखाई थी, जहां एल एम एन क्या थे? या तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस थे या डायरेक्शन रेशियोज थे। अगर वो इसको इक्वेशन सेटिस्फाइड करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस की एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू वन, तो फिर वो डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस होंगे, अदरवाइज वो क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज होंगे। क्लियर सर? तो हम यहाँ पर इस पॉइंट से पास आउट ऑन लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। अब इस लाइन पर आर्बिट्री कांस्टेंट लेकर, है ना,
क्या करेंगे, हम किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, किसी एक जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, आर्बिट्री पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन निकाल देंगे। अगर हम कहें, फिर हम कहेंगे ऐसा कि यदि अगर वो पॉइंट जो हमने निकाला है वो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, वो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है मतलब ये सर्कल का सेंटर है, तो वो क्या करेगा बेटा, समतल पर लाई करेगा, वो प्लेन पर विद्यमान होगा। तो हम क्या करेंगे, उस समतल की इक्वेशन में उसको सेटिस्फाइड करा देंगे। इससे हमको क्या मिल जाएगा बेटा, इससे हमको फीट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो करेंगे काम। अब गोले एक के केंद्र -1, 1 और 2 से समतल x+2y+2z+7=0 पर खींची गई लंब रेखा का समीकरण। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन टू द प्लेन x+2y+2z+7=0 फ्रॉम द सेंटर -1, 1, 2 ऑफ द स्फीयर 1 इज, कैसे देंगे बेटा अपन, x-x1 मतलब ये पॉइंट तो प्लस 1 हो गया, अपॉन l मतलब ये यहाँ पर कोफिशिएंट है 1 1, y-1/2, z-2/2 और इक्वल टू हम मान लेते हैं लैम्डा, r भी मान सकते हैं के r रेडियस के लिए आगे तो ये झट जाएगा, k भी मान सकते हैं अपन। क्लियर सर? तब इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक देन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या हो जाएंगे बेटा, 1 × λ-1 तो -1+λ, 2 × λ+1, 1+2λ, 2 × λ+2, 2+2λ। अगर ये जैसे किसी जनरल कोऑर्डिनेट आके अब बात कर रहे हैं, ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर तो समतल की समीकरण को संतुष्ट करेगा, यदि उपरोक्त निर्देशांक लंबपात है तो यह समतल x+2y+2z+7=0 पर स्थित होगा इफ इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर देन इट इज लाइज ऑन प्लेन x+2y+2z+7=0। सेटिस्फाइड करा देंगे बेटा इस पे। देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा कंडीशन -1+λ+2 × 1+2λ+2 × 2+2λ+7=0।
इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, ये बन जाएगा देखो लैम्डा, टू टू ज़ा फोर लैम्डा, टू टू ज़ा फोर, फोर फोर और वन नाइन लैम्डा, ये बन जाएगा माइनस वन प्लस टू, फोर और सेवन, सेवन और फोर इलेवन और फोर सॉरी इलेवन और टू थर्टीन और माइनस का वन कितना हो जाएगा बेटा ये ट्वेल्व, तो माइनस का सॉरी प्लस का ट्वेल्व इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा बराबर माइनस का फोर बाई थ्री आ जाएगा बेटा, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माइनस का फोर बाई थ्री, तो हम क्या कहेंगे अतः वृत्त का केंद्र सो दी सेंटर ऑफ दी सर्कल क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ रख दो आप लैम्डा की वैल्यू माइनस वन माइनस फोर बाई थ्री, वन प्लस टू इंटू माइनस फोर बाई थ्री प्लस टू प्लस टू इंटू माइनस फोर बाई थ्री, तो क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट बेटा यहाँ पर माइनस का थ्री माइनस का फोर माइनस का सेवन बाई थ्री, टू थ्री और माइनस का एट माइनस का फाइव बाई थ्री, और ये हो जाएगा बेटा सिक्स और माइनस का एट माइनस का टू बाई थ्री। ये लीजिए सर, ये हमारे इस सर्कल का क्या आ गया है सेंटर आ गया है, तो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे माइनस सेवन बाई थ्री माइनस का फाइव बाई थ्री माइनस का टू बाई थ्री, ये रेडियस आ गई और ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए सर। तो आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे इस क्लास में बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और एग्जांपल्स और अनसोल्व क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, थैंक यू।